मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। पहले पता नहीं कुछ दिनों से क्या महसूस सा हो रहा है, सुबह उठते ही ना पहले एक एनर्जी सी रहती थी, काम करने की, स्कूल जाने की, भागने की, दौड़ने की। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है कि अब कई दिन से एक तो तबीयत ठीक नहीं है मेरी, और कई दिन से ऐसा होने लगा है कि मन नहीं करता सुबह उठने का, कुछ भी करने का, कहीं जाने का। बॉडी अलाउ सी नहीं कर रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, कुछ तो हो रहा है अंदर ही अंदर कि मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। वो फ्रेशनेस, वो पॉजिटिविटी ख़त्म सी होती जा रही है। सुबह उठ जाती हूँ, उठने के भी कई देर तक लगी रहती हूँ, इधर उधर, इधर की बातें, उधर की बातें, माइंड पजल सा रहने लगा है। पता नहीं क्या हो गया है, थकावट हो गई है, थकावट। इस थकावट के चक्कर में भी एक आध दिन पहले मैंने छुट्टी भी करी, स्कूल भी नहीं गई, रेस्ट भी किया प्रॉपर, पर अभी भी ना बॉडी अंदर से काम नहीं करना चाह रही, आलसी हो रहा है, आलस आ रहा है, आलस। आप लोगों के संग भी हो रहा है क्या ऐसा? चलिए, आज है बर्थडे मेरे बहुत ही प्यारे, क्या बताऊँ उससे, अपना मैं रिश्ता बेटा कहूँ, देवर कहूँ, दोस्त कहूँ, भाई कहूँ, कुछ भी कहूँ, तो हैं तो इनके बुआ जी के बेटे, लेकिन मेरा बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही प्यारा बच्चा। मन्नू हैप्पी बर्थडे बेटे, स्टे हेल्दी, हैप्पी, लिव लॉन्ग लाइफ। और जल्दी मेरठ आओ माता रानी के दर्शन करने के लिए, और उसके साथ अपनी भाभी रानी के भी दर्शन करो, ठीक है? खुश रहना बेटा, हैप्पी बर्थडे मन्नू। आज बच्चों के लिए नाश्ते में बना रही हूँ मैं, रात के चावल बच गए थे हमारे, तो रात वाले चावल हैं। इसमें मैंने डाले हैं दो आलू, मेरे पास थे उबले हुए, दोनों आलू मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिए हैं। और इसमें मैंने ये डाला है प्याज और शिमला मिर्च चॉप करी है, थोड़ी मोटी मोटी करी है, प्याज और शिमला मिर्च, ठीक है? और इसमें मैं मसाले डालूंगी, कसूरी मेथी, जीरा, नमक, गरम मसाला, धनिया पिसा हुआ, लाल मिर्च थोड़ी डाली है मैंने, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना, और अजवाइन। और इसमें भी ऑप्शन है, अगर आप अनियन नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाते हैं, तो मत डालिए प्याज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अब मैं इसमें राइस में मिलाने वाली हूँ, सारे मसाले और ये आलू। आलू इसलिए डालें, आलू से क्या होता है, चावल चिपके रहते हैं रोटी आटे के अंदर, और पराठा जो होता है वो बहुत क्रिस्पी भी बनता है। मैं दिखाऊंगी आपको कितना अच्छा लगेगा ये जब पूरा मैटर इसका रेडी हो जाता है, और इसके पराठे डैम टेस्टी, ट्राई कीजिएगा घर पर, ओके? पेश है आपके सामने आज की दूसरी रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी भिलिया, जिसे हम पेठा काशी फल भी कहते हैं, खट्टा मीठा, ओके? और इसमें मैं डालूंगी, तड़के में सबसे पहले डलेगा तेजपात, मेथी और हींग, और जब ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगा उसके बाद मेरे डलेंगे मसाले, और जब इसकी सब्जी लगभग रेडी हो जाएगी तब एंड में डालूंगी मैं इसमें आमचूर और चीनी। इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास क्योंकि गुड़ नहीं है तो इसलिए मैं चीनी का यूज़ करूंगी, और आमचूर से इसका टेस्ट होगा खट्टा और चीनी से इसका टेस्ट हो जाएगा मीठा। तो दिखाती हूँ मैं आपको, हो गया है मैंने इस समय पेठा, क्योंकि मावस है तो इसलिए क्या लहसुन और इस तरह की कोई भी चीज़ मैंने इसमें नहीं डाली है। और इस तरह तैयारी हो रही है मेरे खीर की, आज निकलेगी थाली पंडित जी को देने के लिए, तो इसलिए आज बन रहा है मेरे यहाँ पीठा, खीर, रायता, पूड़ी। और जब आपका भिलिया हल्का सा यूँ करछी मारने से नॉर्मली अपने आप ही कटने लग जाता है, मीन्स हमें ज़्यादा प्रेशर डालने की नीड नहीं है, और देखिए गल गया है, ठीक है? जब आपका ये
दलिया इस कंडीशन में आ जाए तब आप इसमें डालेंगे आमचूर और मीठा। मीठे में गुड़ भी डाल सकते हैं आप, मेरे पास गुड़ है नहीं इसलिए मैंने डाली है चीनी। अब मीठा डालने के बाद ना अब ये छोड़ता है पानी, तो जितनी देर में इसका पानी सूखता है तब तक ये बहुत ही टेस्टी तरह से बिल्कुल लिपटवा बोलते हैं ना जिसे, लिपटवा बिल्कुल वैसा रेडी हो जाता है ये भैया। बस हम मुश्किल से 5 से 7 मिनट लेगा ये और ये हो जाएगा रेडी। ओके, इसके साथ पूड़ी के लिए मैंने तैयारी करी है आटा। आटे में डाली है मैंने कस्तूरी मेथी, हल्की सी हल्दी और नमक, और इससे बनाने के बाद जब पूड़ी बनती है ना इतनी क्रिस्पी बनती है और इतनी टेस्टी कि आप बिना सब्जी के भी खा सकते हैं। थाली हो गई है रेडी, भिलिया, खीर, दही और पूड़ी। बस इसमें दक्षिणा रखनी है और हस्बैंड ने हाथ लगाना है, नहाने गए हुए हैं। टिफ़िन भी रेडी हो गया है मेरा और तन्मय का। तन्मय नहीं खाता भिलिया इसलिए बहुत जल्दी जल्दी फटाफट बनाई है मैंने आलू शिमला मिर्च। जब तक ये बनेगी तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, बिकॉज आज से शुरू हो रही है मेरी हाउस ड्यूटी, तो आज स्कूल भी और टाइम से जल्दी जाना है। बहुत ही जल्दीबाजी में अभी टाइम हो रहा है 6:50 और मुझे 7 बजे तक स्कूल पहुंचना है, बिकॉज आज मेरी हाउस ड्यूटी भी शुरू हो गई है और आज अमावस्या भी थी, उस वजह से भी काफ़ी खाना वगैरह की भी तैयारी करी। और एंड टाइम में जब टिफ़िन लगाने लगी तो पता चला कि तन्मय तो भिलिया खाता ही नहीं है, बेटा खाता ही नहीं है। फिर बहुत जल्दी मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाई, फाइनली बन गई है, थाली भी लग गई है, हस्बैंड ने पूजा भी कर ली है और तन्मय भी अब मेरे साथ ही जा रहा है स्कूल, बिकॉज हमें जल्दी पहुंचना है। तो ये बोला कि आज गाड़ी है तो चलो पापा मुझे भी छोड़ देते हैं। आगे अपना देखो। तो ठीक है, मिलती हूँ बाद में। ओके बाय, टेक केयर। हाय, आज आप लोगों संग शेयर करूंगी एक सर्टिफिकेट और एक गोल्ड मेडल जो मिला है अंश को, और ये मिला है ITS मोहननगर गाजियाबाद की तरफ से, और ये सर्टिफिकेट ऑफ मैरिट है, मतलब 12th में जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं उन सब बच्चों को आज ऑनर किया गया था, अवॉर्डेड किया गया था, जिसमें अंश भी शामिल थे, और ये गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट मिला है मेरे लड्डू को। एंड बहुत अच्छा लगा हम लोगों को जब इसने आकर दिखाया, और तन्मय ने तो ये लाकर ना गोल्ड मेडल मेरे गले में ही डाल दिया। तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। अचीवमेंट तो आपका ही है। नहीं, मेहनत तो तुम लोगों की है। अच्छा, इससे एक बात और पता है क्या साबित हुई, जो हम लोग भागते रहते हैं ना परसेंटेज के पीछे इसके पीछे, आज वहाँ सब बच्चे इक्वल थे, जिसके 61% आए हैं और जिसके 99% और 100% आए हैं 70%। हाँ, तो सभी बच्चों को सेम सर्टिफिकेट और सेम ही मेडल दिया गया, इक्वलिटी थी वहाँ पर। तो इसलिए प्लीज मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि परसेंटेज के लिए, नंबर्स के लिए बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर मत डालिए। हमारे ही बच्चे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी बच्चों को मैं बॉटम ऑफ माई हार्ट कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी, उनके पेरेंट्स को भी बोलूँगी, ऐसे ही आगे बढ़िए, तरक्की करिए और मेरा चैनल देखिए, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रखिए सब अपना। थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय मेरी तरफ से भी, मैं पीछे क्या